Hey guys, what's up? I hope you all are doing absolutely fine. This is Bone Biker. Welcome back to my YouTube channel. तो guys, आज डेट है 4th of October. कल हम लोग निकले थे चंडीगढ़ से और कल आपने कल की वीडियो में एंजॉय किया होगा चंडीगढ़ से बनीखेत का रास्ता और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बनीखेत. कल रात को पहुंच गए थे एक्चुअली और कल रात को रुके थे हम लोग यहाँ पे. डिसेंट सा रूम मिल गया था जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ साच पास का रास्ता. वीडियो में बने रहो गाइस, बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है, बहुत एक्सट्रीम एडवेंचरस वीडियो होने वाली है. तो देखो यार, अपनी एक आदत है लेट हो जाते हैं हर बार. ये देखो सब पूरा रेडी है, इधर अभी तक कुछ भी नहीं किया है, बस पैकिंग वैकिंग चालू है. बाकी अपने प्रदीप भाई है तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. अभी पैक सामान वगैरह हमारा सब कुछ मतलब यहाँ है. नीचे रही बात बनीखेत की, तो बनीखेत एक छोटा सा डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप एक या दो दिन का स्टे ले सकते हो. बनीखेत मतलब एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ से आप चंबा भी जा सकते हो, यहाँ से आप डलहौजी भी जा सकते हो, यहीं से सच पास का रास्ता जाता है. तो बस इसीलिए हम लोग यहाँ पे रुके थे रात को. अभी हम लोग निकलते हैं, पैकिंग वैकिंग डन हो चुकी है, बस नीचे लगेज माउंट कर रहे हैं, चलते हैं गाइस. मिलते हैं आपको आगे गोप्रो मोड पे. तो गाइस देखो, प्रमोशन अपना हर जगह चालू रहता है. मैंने भाई को दिया अपना स्टिकर, भाई लगा दो फिर हैं. तो गाइस देखो, यहाँ पे सब हो गया रेडी, बस मैं ही थोड़ा सा हर बार की तरह लेट हूँ. यहाँ पे देखो सब वेट कर रहे हैं. यहाँ पे अपने अमित भाई, यहाँ पे अपने नाम क्या था आपका, शबनम जी, भाभी जी अपने, और चलते हैं. अभी सब कुछ रेडी है गाइस, मिलते हैं आपको गोप्रो मोड पे. तो गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ बनीखेत से और अभी मैंने ग्लव्स भी नहीं लगाए हैं क्योंकि मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही थी और गर्मी लग रही थी यार राइडिंग जैकेट की वजह से. तो मैंने सोचा यार अभी वो यार कितने सारे कुत्ते हैं, हेलो भाइयों थोड़ा सा रास्ता दे दो हमें. बाकी यार वादियाँ एक नंबर आनी शुरू हो चुकी है, देख रहे होंगे आप क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है यार, क्या मस्त लग रही है चीज़ें. अच्छी जगह है यार ये भी बनीखेत. अगर एक दिन के लिए आपको स्टे लेना है साच पास आने से पहले तो ले सकते हो आप गाइस. रही बात मौसम की, तो मौसम एकदम मौसम है. अभी देख सकते हो आप धूप आई हुई है, बढ़िया ठंडा सा मौसम है. सुबह सुबह की मॉर्निंग है. टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो अभी 9:40 हुआ है, तो परफेक्ट वेदर है राइडिंग के लिए. मतलब माउंट ये देखो, ट्रीज़ देखो यार एक नंबर भाई. देवदार के पेड़ बोलते हैं इनको आई थिंक. ग्रीनरी पूरी की पूरी रोड पे है और अमेजिंग लग रहा है गाइस. उत्तराखंड वाली फीलिंग आ रही है, जब हम लोग मुंशियारी गए थे ना कुछ वैसा ही फील दे रहा है. अरे रे रे फुल यू टर्न भाई. तो अभी देखो वहाँ कहीं से आया है, वो आई थिंक बनीखेत होगा. इस रोड से अपने को जाना है ये वाली वैली के अंदर. बाकी हर पहाड़ों में चलाने का जो राइड करने का मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है. और ऐसे स्पेशली ऐसे रोड पर जब आपको खाली रोड हो, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है गाइस. क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, जब से ये कोविड के बाद ट्रैवल स्टार्ट हुआ है तो भाई अभी लोग तो आए नहीं है, तो ट्रैवल और रास्ते इतने अच्छे पड़े हैं, रास्ते एकदम कंस्ट्रक्टेड है, जो भी कुछ दिक्कतें. क्या बात है. यहाँ पे देखो यार माउंटेन एकदम कैसा है यार, पहाड़ कैसे काटे हुए हैं, बिल्कुल मतलब शार्पली एज्ड कटिंग है, क्या अमेजिंग लग रहा है. देखते हैं बैरागढ़ आज कितने बजे तक पहुँचेंगे, क्योंकि कुछ लोगों से हम लोगों ने कंफर्म किया था तो वो लोग बोल रहे थे बैरागढ़ से आगे कोई चेक पोस्ट पड़ता है जो कि आप 3 बजे के बाद क्रॉस नहीं कर सकते बिकॉज रात हो जाती है तो साच पास पर रिस्क रहता है. तो आई थिंक आज हम लोग बैरागढ़ में रुकेंगे. और गाइस यहाँ पे देखो आपको पाउडर की जरूरत नहीं होती क्योंकि मिट्टी पाउडर का काम करती है. जा रही है साच पास, ये कंफर्म है, बट आई एम नॉट श्योर कि बीच में क्या क्या आएगा, तो जो भी आएगा आपको तो मज़ा ही आएगा. तो गाइस अभी छोटा सा एक ब्रेक लिया था क्योंकि सामने एक ना लेक आई. और हाँ गाइस, ये लेक मैंने बहुत बार वीडियोज़ में देखी है, फोटोज़ में देखी है, तो फील थी फिर जान चाहता था मैं कि यार ये इसको ड्रोन से कैप्चर करूँ.
तो गाइस अभी आपने देखा ड्रोन शॉट, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। बट ड्रोन उड़ाया तब तो एक बार लगी, क्योंकि पंछी एकदम बहुत सारे आ गए उसके आसपास, मेरे को लगा कहीं टक्कर ना मार दे। बाकी ड्रोन शॉट्स आपको आई होप कर दूँ कि अच्छे लगे हो, अगर अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना। और गाइस अभी हम लोग इस लेक के बिल्कुल पास में आ चुके हैं, पास में बोले तो एकदम लेवल पे। ठीक है सर, क्रॉस करने के टाइम नहीं यूज़ करना ना। ठीक है सर। तो गाइस अभी हम लोगों को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करने दिया, एक्चुअली मना कर दिया कि यार डैम के बाद ही आप कैमरा ऑन करना, तो मैंने भी डैम के बाद ही कैमरा ऑन किया। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, पुलिस ने मना किया था कि आप बंद रखो, तो दैट्स वाई हम लोगों ने बंद कर दिया। तो गाइस देखो यहाँ पे रोड कैसा, मतलब ऑफ रोड आना स्टार्ट हो चुका है, और रोड यहाँ पे पहाड़ देखो कैसे कटिंग की हुई है। तो गाइस जैसा मैंने आपको इस बार बताया था, आपका भाई इस बार एक एक चीज़ का हिसाब देगा आपको, तो टेंशन नहीं लेने का। बाकी अपना पेट्रोल इस बार रिफिल हुआ है 5600 रुपीज़ का एग्जैक्टली। और ये रही हमारी पूरी पलटन, अपने सुरेंद्र भाई प्रदीप भाई और ये अपने अमित भाई। तो कल पता है लास्ट वीडियो आपने अगर अच्छे से देखी होगी तो थोड़ा सा उसमें आपको वॉइस का डिफरेंस नज़र आया होगा या सुनाई पता लगा होगा, क्योंकि कुछ वीडियोस में मैंने वॉइस ओवर किया था क्योंकि माइक मेरा हर बार की तरह प्रॉब्लम में आ गया था। बट हाँ, आज की अभी तक होप करता हूँ कि सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा हो, बस ऐसे ही चलता रहे। वाह भाई यार, लिटरली भाई मेरे लेफ्ट साइड में इतनी ख़तरनाक खाई है मैं आपको क्या बताऊं। और ये देखो यहाँ पे कैसी टनल टाइप की है ये, और ये देखो गाइस यहाँ पे छोटी छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, और यहाँ से ऊपर से कहीं से झरना आ रहा है। रे 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 क्रोस्ट। बाकी आई थिंक अब अच्छे अच्छे वाले नज़ारे आएंगे, अच्छे अच्छे वाले व्यूज़ आएंगे। आई होप कि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया होगा, बिकॉज ये सारी अपडेट्स मैं आपको इंस्टाग्राम पे रेगुलर रियल टाइम पे देता रहता हूँ जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियोज़ तो थोड़ा लेट आते हैं, बट हाँ इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें आपको साथ की साथ दिखती रहती है गाइस। आगे एक प्यारा सा वाटरफॉल भी है, कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाने की। तो गाइज़ अभी हम लोगों ने एक छोटा सा स्टॉप लिया था, यहाँ पे मेरे को दिखा एक प्यारा सा वाटरफॉल, इस वजह से मैंने तो बाइक रोकी भाई, और मैंने कहा ये तो ज़रूरी है आप लोगों को दिखाना। इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा ज़रूर, यार क्या प्यारा लग रहा है यार झरना, दिखाते आपको। तो गाइस यहाँ से देख सकते हो आप माउंटेन्स कितने प्यारे लग रहे हैं। बाकी ये सारे माउंटेन्स वैसे आपको पता हो शायद पूरे डेजर्टेड माउंटेन्स है, और अभी अपने को लेना है स्ट्रेट बैरागढ़ के लिए, देवकोठी और बैरागढ़। बाकी ये देखो माउंटेन्स क्लाउड्स और सारा का सारा जो रीजन है बहुत ही प्यारा लग रहा है। और बाकी यार बीच बीच में छोटे छोटे गाँव आ जाते हैं, छोटे छोटे विलेजेस आ जाते हैं जहाँ पर थोड़े थोड़े से लोग रहते हैं, और बच्चे मतलब हर जगह पे बूम करते रहते हैं, बूम हेलो हाय कुछ ना कुछ। बाकी रोड देख सकते हो आप यार कैसा होने लग गया है, अब यार टूटा फूटा रोड। अब कुछ दिन अगले 2-3 वीडियो में 4 वीडियोस तक आपको इसी टाइप के रोड दिखेंगे, इसी टाइप की सिचुएशंस दिखेंगी। स्लश या बारिश के टाइम पे कैसा होता होगा, सोचने वाली ये बात है। और रे 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 रे, ये मैंने वीडियोस में देखा था एक्चुअली। ये देखो यहाँ पे ऊपर से पानी आता है, और ये देखो कैसे जा रहे हैं, काफ़ी वीडियोस में देखा है मैंने बंदे मतलब इस झरने के नीचे से जाते हैं बाइक लेके, ऊपर से पानी गिरता है और ये जाता है। अभी तो बारिशें ख़त्म हो चुकी है तो पानी कम है, वरना जब ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, बारिश का सीज़न होता है, तो ये बहुत तेज़ आता है ये पानी। सही है यार, अच्छा एक्सपीरियंस, मज़ेदार एक्सपीरियंस है ब्रो। हम निकालेंगे साइड से क्योंकि हमने अभी अपना कैमरा वाटरप्रूफ नहीं किया हुआ है, तो हम सेफ खेलेंगे। और यहाँ पर जाम लगा हुआ है,
फ्री की भाई कार वॉश हो रही है, ये देखो फ्री कार वॉश। और गाइस रही बात पेट्रोल पंप की, तो पेट्रोल पंप भी पीछे कुछ था लास्ट, उसके बाद से कोई पेट्रोल पंप नहीं, आगे अगर मिलेगा तो पेट्रोल ब्लैक में ही मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। बाकी यार बच्चे खुश हो जाते हैं बाइकर को देख के। अपनी बताऊं तो मैं जब छोटा बच्चा होता था, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, तो वैसा ही जब वो वाला टाइम था तब हम लोग भी ऐसे बाइकर्स को देख के हेलो हाई करते थे, तो वैसा ही कुछ फील होता है जब अभी हम लोगों को कोई करता है। सही है ब्रो। बाकी यार अगर यहाँ से व्यू की बात करूँ तो ये देखो कुछ ऐसा व्यू है, यहाँ पे पूरे माउंटेन्स ही माउंटेन्स, उस रोड से कहीं से हम आ रहे हैं नीचे से, फिर इधर घूमते हुए ये ऊपर पहाड़ चढ़े। बाकी क्या लग रहा है यार, क्या बताऊँ, कोई वर्ड्स नहीं है यार, क्या नंबर एक नज़ारे है। चलते हैं भाई, बैरागढ़ आने वाला है। बैरागढ़ यहाँ से होगा 8 से 10 किलोमीटर के आसपास। तो बस यही नज़ारा मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था बहुत नीचे से, जब ये पहाड़ मतलब काफ़ी ऊपर दिख रहा था, हम लोग काफ़ी नीचे थे, बट ये अभी और क्लोज आ चुका है। और कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में जब आप देखोगे तो इस नज़ारे के हम बिल्कुल ऊपर होंगे, मतलब कि इन पहाड़ों के इन बादलों के बीच में होंगे। तो अगली वीडियो का मिस मत करना, मज़ा आएगा वीडियो देखने में। बाकी खूबसूरत नज़ारा है, मन एकदम अल्टीमेट सा व्यू है और अमेजिंग व्यू है ब्रो। बाकी मज़ेदार, देखो वहाँ कहीं पे मुझे घर भी दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये नहीं पता मुझे यार जाते कैसे होंगे वो लोग। आई थिंक यहाँ से कहीं पैदल वैदल चल के जाते होंगे, बट यार लिटरली। और ये देखो यहाँ पे सब भुट्टे है, मतलब जो हम लोग भुट्टे खाते हैं ना, भुट्टे या फिर मक्की के दाने, सारी जगह पे वो वाली फसल लगी हुई है। तो गाइस अभी हुआ क्या कि मेरी बाइक का मडगार्ड जो है ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, तो मैंने क्या करा यहाँ से भैया से थोड़ी हेल्प ली स्क्रूज की, और यहाँ से इसको कर लेते हैं टाइट अपन। तो गाइस अभी यहाँ पे भाई आपका नाम क्या है? महबूब। तो इन्होंने हेल्प आउट किया, एक्चुअली मेरा मडगार्ड हो गया था थोड़ा सा ढीला, अभी हम लोगों ने फिर से टाइट कर दिया इसको, होप फॉर द बेस्ट सब कुछ ठीक चले। और रुके थे, जगह का नाम पता है आपको? बैरागढ़ पहुँच के 2-1 किलोमीटर रह गए होगा ना, बस पैरागढ़ ऑलमोस्ट गाइस पहुंच गया है। तो ये भी हो गया अपना काम, चलते हैं अभी। मैंने जनरल चलते चलते देखा यहाँ पे कुछ काम वाम, यहाँ पे मेरे को लगा कि मिल जाएगा पाना वाना। छोड़ो, हेलो हेलो हेलो, हेलो। तो गाइस देखो जैसा मैंने आपको बताया था, हम लोग बैरागढ़ पहुंच चुके हैं। और हाँ, बाइक इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी से निकली, इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग से हम लोग करके आए। अभी सीन क्या है कि हम लोगों को करना है चेन क्लीन, और बाय मिस्टेक या कुछ भी लगा लो हम लोग चेन क्लीनर लाना भूल गए हैं, तो हम लोगों ने लगाया, इंडियन है तो जुगाड़ लगाते हैं, तो अभी करते हैं जुगाड़ से चेन क्लीन। ये सब हम इसलिए अभी कर रहे हैं ताकि सुबह हम लोग जल्दी निकल पाए। तो गाइस देखो हम लोग पहुंच चुके हैं रूम पे, मैं नहा वहाँ के फ्रेश हो चुका हूँ एकदम, कपड़े देख रहे होंगे आप लोग चेंज हो चुके हैं। प्यारा सा छोटा सा डिसेंट सा रूम मिला है अच्छे से प्राइस पे, प्राइस मैं आपको बाद में बताऊंगा। रही बात एक दिन यहीं तक रखते हैं, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो आई थिंक लंबी हो चुकी होगी, क्योंकि अभी तक तो एडिट नहीं किया, अभी पता नहीं कितनी लंबी हुई है कितनी छोटी हुई है, बट हाँ मुझे लगता है कि लंबी वीडियो हो चुकी होगी। और कल की वीडियो में गाइस मैं आपको दिखाऊंगा साच पास का रास्ता, साच पास हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल पर नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलते गाइस नई वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ, टिल देन बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बूम।